अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ऑर्गेन्जा पे दामन का डिज़ाइन सिखाऊंगा जिसमें हम प्लेटें देंगे, ठीक है। मैं आपको प्लेट की ट्रिक्स बताऊंगा, प्लेट हमें किस तरह बिठानी है। ये देखें, इस तरीके से हमारा दामन डिज़ाइन तैयार होगा, ठीक है। आप वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आपको पता चल सके कि हमने बिल्कुल ईजी तरीके से प्लेटें डाली हैं, प्लेटें किस तरह बिठाते हैं। हमारे पास दो लेसें हैं, ठीक है, और ये हमने ऑर्गेन्जा काटी हुई अपनी। ये जो हमारा दामन कटा हुआ है कमीज का 24 इंच कटा हुआ है हमारा, ठीक है। ये 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि हम इसमें प्लेटें देंगे तो प्लेटें थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसे मोड़ लेंगे और ये लेस लगानी है हमें यहाँ पे। यहाँ पे हमें लेस लगानी है, ठीक है। ये जो दबाव आ रहा है ये हमें लेस के नीचे दबाना है। यहाँ पे हमें 1.5 इंच का जो है ना सादा छोड़ना है ऑर्गेन्जा को। ये देखें, ये 1.5 इंच हमारी सादी आ गई, ये बाकी लेस लग रही है हमारी, तो हम इसे पूरा नाप लेंगे। ये 3 इंच आ रहा है हमारा, ठीक है। तो पूरी पट्टी को हम 3 इंच चौड़ा जो है ना प्रेस कर लेंगे। देखिए, एक टिश्यू होती है, एक ऑर्गेन्जा होती है, ठीक है। ऑर्गेन्जा जो होती है ना वो शिलिंग नहीं होती, मतलब अगर आप इस पर इस्त्री रखेंगे तो ये सुखड़ती ही नहीं है। जो टिश्यू होती है ना वो सुखड़ जाती है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे इस्त्री रख दी थी, ठीक है। टिश्यू पे इस तरह इस्त्री नहीं रखनी, वो सुखड़ जाएगी बिल्कुल, ठीक है, ख़राब हो जाएगी वो। ये ऑर्गेन्जा ख़राब नहीं होती, अच्छी होती है, ठीक है, इसलिए मैंने इस पर इस्त्री रख दी। कराऊँ ये नहीं सुखड़ती इतनी जल्दी। ये मैंने प्रेस कर लिया, अब यहाँ पर हम इसे लेस लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसे सिलाई लगा लेंगे, एक सिलाई, और एक सिलाई हम इसे यहाँ पे इस तरह लगा लेंगे ताकि ये जो है ना हमारी डिजाइनिंग उठी उठी सी रहे थोड़ी सी। लेस लगा ली, ठीक है। एक सिलाई हमने यहाँ पे लगाई है और एक सिलाई यहाँ पे लगाई है। कहीं पे हमारी सिलाई शो नहीं हो रही, लेकिन हमारी डिजाइनिंग कहीं पे ख़राब नहीं हुई, सिलाई ऊपर नहीं आई, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी प्लेटें देंगे। हमारी कपड़े के हिसाब से 3 प्लेटें हैं, 4 प्लेटें हैं, 5 प्लेटें हैं, ठीक है। यहाँ पे हम प्लेटें दे देंगे इसकी। अब देखें, यहाँ पे हम थोड़ा सा गैप रख के यहाँ पे 1/2 इंच की प्लेट देंगे, ठीक है। लेकिन हम इसे यहाँ पे पहले इस तरह मोड़ेंगे। ये जो हमारी लेस आ रही है, लेस से हमें यहाँ पे 1 इंच पे रखना है, लेस के और यहाँ के दिन, ठीक है। यहाँ पे हम इसे प्रेस कर लेंगे। ये मैंने प्रेस कर दिया, देखिए लाइन आ गई हमारी, ठीक है। अब ये इसी तरह लाइन रहेगी और इससे ऊपर ये वाला कपड़ा हम ऊपर की साइड ले जाएंगे इस तरह। प्लेट हमने प्रेस कर ली, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे 1 जैसा गैप आ रहा है हमारा। अब इसकी दूसरी प्लेट हम प्रेस करेंगे। ये देखें, हमारी प्लेट जो है यहाँ पे आ रही है 1/2 इंच एक सूत की, ठीक है। अब यहाँ से हम इसे कपड़े को मोड़ेंगे। ये देखें, यहाँ पे हमारी जो है ना प्लेट दिख रही है। अब यहाँ पे हम इसे 1/2 इंच पे जो है ना ये प्लेट का ये वाली साइड से 1/2 इंच यहाँ से नापेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसे इस तरह नाप के प्रेस कर लेंगे। ये हमारी लाइन आ गई, ठीक है। अब ये वाला कपड़ा हम ऊपर की साइड लेके जाएंगे अपना इस तरह। ये जो प्लेट है, प्लेट से हम इस प्लेट के थोड़ा सा ऊपर चढ़ाएंगे, जैसे कि हमारी 1/2 इंच की प्लेट शो होनी चाहिए। एक सूत ज़्यादा है ना हमारी प्लेट का,
आधा इंच एक सूद है, तो एक सूद हम ये वाली प्लेट इसके ऊपर चढ़ा देंगे, तो ये आधा इंच की हमारी शो हो जाएगी प्लेट। अब देखें जब ये वाली प्लेट हम ऊपर चढ़ा रहे थे, तो हमारी जो है ना ये प्लेट आधे इंच की हो गई, ये आधे इंच एक सूद की हो गई, ठीक है। अब जो तीसरी प्लेट डालेंगे, तीसरी प्लेट हमारी इसी तरह, वो आधे इंच एक सूद की हमारे ऊपर शो हो रही होगी। ये दो प्लेटें डल गई, ठीक है। तीसरी प्लेट भी इसी तरह हम डाल लेंगे। हमने प्लेटें भी डाली, ठीक है, चार प्लेटें आ गई हमारे कपड़े के हिसाब से, ठीक है। हमारा कपड़ा बच रहा था, हमने चार प्लेटें दे दी, एक प्लेट और दे दी, चौथी प्लेट, ठीक है। प्लेटें हमारी सारी एक जैसी आ रही हैं। अब प्लेटों पे हम सिलाई लगाएंगे। पहले यहाँ पे हम इसे सिलाई लगाएंगे, इस तरह हम सिलाई लगाते जाएंगे, ठीक है। चारों प्लेटों पर हम सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद हम इसे कमीज के साथ इस तरह ज्वाइंट करेंगे। जितना गैप हमारा यहाँ से आ रहा है प्लेट के और लेस के दरमियान में, उतना ही इस लेस पे भी आएगा इसी तरह, ठीक है। इस तरह हम ये लेस लगाएंगे फिर कमीज के साथ। पहले हम यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं प्लेटों में, फिर मैं आपको लेस लगाना बताऊँगा। चारों प्लेटों पे मैंने सिलाई लगा ली, ठीक है। हमारे प्लेटों का रुख नीचे की साइड आ रहा है, ठीक है। अब इसकी हम लेस रखेंगे, इसके जो है ना चेक करेंगे कितना हमारा जो है ना इसका बॉर्डर तैयार हुआ है। ये 8.5 इंच आ रहा है हमारा बॉर्डर, ठीक है। अब ये हमारा फ्रंट है, फ्रंट की मैंने नॉर्मल जो है ना कटिंग की है, जो हमारी लंबाई है मैंने पूरी लंबाई कटिंग की है, जितनी हमारी लंबाई है तैयार, ठीक है। तो इसकी जो ये देखिए आधे इंच हमारे हमने यहाँ पे निशान लगाया है, ये दबाव का होता है, लेकिन इसमें हमारा दामन जो है ये तैयार हो गया, इसमें हमारा कोई दबाव नहीं आएगा, ठीक है। ये तैयार है यहाँ से हमारा, तो इसे यहाँ से हम नापेंगे इस निशान से। 8.5 इंच हमारा बॉर्डर आ रहा था, ठीक है। 8 इंच पे हम इसे निशान लगाएंगे, ये 8 इंच पे निशान लगा लिया। आधा इंच जो है हमारा दबाव में आ जाएगा, तो हमारा लंबाई जो है ना शर्ट की पूरी हो जाएगी। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। हम इसके जो है ना नीचे का बॉर्डर लगाएंगे, शर्ट को हम इस तरह उल्टा रख लेंगे, ठीक है। ये हमारी उल्टी साइड है, ये हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर हम इस तरह रख लेंगे, हमारे बॉर्डर की सीधी साइड है ऊपर। लेस यहाँ पे हम सेट कर लेंगे, यहाँ पे हमारे जितना गेप आ रहा है उतना ही गेप हम यहाँ पे भी रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस तरह रख के पहले हम यहाँ पे मोती के बराबर में सिलाई लगा लेंगे हाफ बोर्ड से, उसके बाद हम इस कपड़े की कटिंग करके दूसरी सिलाई हम बाद में लगाएंगे। अब देखें यहाँ पे हम सेट करेंगे, ये हमारा सेंटर जो आ रहा है शर्ट का, ठीक है। लेस का भी हमारा इसी तरह सेंटर आना चाहिए, ताकि साइडों की जब हम फिनिशिंग लगाएं या पाइपिंग लगाएं तो हमारी आउट ना हो, ठीक है। एक साइड पे हमारा जैसे कि डिजाइनिंग एक साइड पे पूरी शो हो रही होती है, एक साइड पे हाफ शो हो रही होती है, इसका सेंटर हम नहीं मिलाते, इसलिए ऐसा हमारे साथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह सेट करेंगे और यहाँ पे लेस रखेंगे इस तरह। देखें ये जो दबाव आ रहा है ना लेस से हमारे थोड़ा सा अंदर हो बस, ये देखें हमारी हल्की सी लेस बाहर हो इस दबाव से। यहाँ पे हम इसे सिलाई लगा लेंगे फिर। ये हमने एक सिलाई लगा ली, ठीक है।
लेस पे एक सिलाई लगा ली, बाकी ये दबाओ जो हमारा कटिंग कर लेंगे इसे हम। अब यहाँ पे इसे पलट लेंगे इस तरह, ठीक है। अब ये देखें ये कच्चा जो हमारा इस लेस के नीचे दब जाएगा। अब यहाँ पे हम इसे एक सिलाई लगा लेंगे। ये हमारे दामन की डिजाइनिंग तैयार हो गई।